मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक आवर चैनल। एक बार वापस से स्वागत करता हूँ आप सभी का एक न्यू ब्लॉग में। गाइज, आज हम आए हैं थे पैसेंजर लेकर के गोरेगांव के आर्य कॉलोनी फिल्म सिटी में। तो यहाँ पे यहाँ का आपको ब्लॉग फुल देखने को मिलने वाला है, और अभी हो सकता है ब्लॉग थोड़ा लंबा हो जाए, मैनेज करना गाइज, पर बहुत ज़बरदस्त मज़ा आएगा गाइज। तो फाइनली गाइज, अभी हम पहुंच गए स्टूडियो, और इस स्टूडियो का नाम है गुरु जी का स्टूडियो। तो फाइनली अनिता के 30 रुपए खुल रहे हैं। ये हमारे गुरु जी का मंदिर है। 20 भी देगी तो भी चलेगा, 10 है। बन गई आपकी वीडियो। फाइनली ये था कुछ स्टूडियो, और कुछ वैनिटी वैन खड़े हुए हैं। ये देखो, आपको दिखाता हूँ, ये है वो वैनिटी वैन, और कुछ ये है एम्प्लॉयज जो यहाँ पे वर्क करते हैं। बहुत लोड पड़ेगा बहुत सारा, अब अपने वीडियो बना रहे हैं। तो ये है गाइस फिल्म सिटी। कुछ फोटो शूट कर रहे हैं, और बहुत ही जबरदस्त लोकेशन है गाइस। मुझे तो यहाँ पे नैनीताल के जैसे फीलिंग आ रही है, पर कभी गया नहीं हूँ, अगर होगा तो नैनीताल ऐसे ही होगा। नेक्स्ट लेवल का लोकेशन है भाई, कभी आइएगा विजिट करिएगा, मस्त एकदम जबरदस्त मजा आ रहा है। और यहाँ से अपन यूटर्न भी ले सकते हैं, और मुझे यूटर्न ही जाना है, उधर जाना ही नहीं है। चलो यूटर्न आगे से लेके आता हूँ, फिलहाल आपको ये व्यूज दिखाने के लिए लेके आया था। कुछ इस तरीके का व्यूज दिख रहा है गाइस, एकदम नेक्स्ट लेवल का है, फट्टे 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 वाला। देखते हुआ है कितना जबरदस्त लग रहा है अपने को। फिलहाल तो अंदर जाना अलाउड नहीं है। गाइज ये था इम्पायरल पैलेस रिजॉर्ट, जो आपको मैं अभी दिखाता हूँ। देखो मस्त मजा आएगा, लुक जबरदस्त यार। इसको बंद करके रखा है, पता नहीं अभी बंद हो गया, ये अभी ये रिजॉर्ट नहीं रहा है, पर अभी ये स्टूडियो हो गया है, पर इसके अंदर शूटिंग्स वगैरह कुछ छोटी होती रहती हैं शूटिंग्स। तो यार व्यू पॉइंट पे पहुंचने वाले हैं, वहां से आपको फुल व्यूज दिखाएंगे भाई, जबरदस्त। और अभी मैं बहुत हाइट पे हूँ, मतलब टॉप पे हूँ यार, और वो व्यू ऑफ पॉइंट आई थिंक ये रहा। एक्सक्यूज मी, व्यू पॉइंट है क्या ये? ओके थैंक यू। रिस्क है यार यहाँ पे जाने के लिए, व्यू ऑफ पॉइंट, बाप रे
ये है यहाँ का व्यू ऑफ पॉइंट। पर यार बहुत ज़्यादा धुंध हो रही है, मतलब फॉग टाइप का हो रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है यार यहाँ से। तो फिलहाल तो ये इस तरीके से दिखता है यार गाइस, यहाँ से मज़ा आ रहा है मुझे तो। भाई लाफिंग नहीं करना, हंसना नहीं है। हो ला ला ला। छी यार, ये सबसे बड़ी कमी है अपने इंडिया की, जहां जाएंगे वहां गंदा करके फेंक देंगे यार। यहाँ से व्यूज आ रहा ना, वो मतलब कुछ सन के वजह से, सूरज की वजह से उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आ रही है। पर दूसरी चीज ये भी है कि कुछ फॉग टाइप मतलब है, धुंध सी छाई हुई है पूरे आसमान में, और मैं थोड़ा हाइट पे हूँ तो नीचे का थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है। मैनेज करना जैसा भी है, पर ये व्यू पॉइंट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मस्त। तो गाइज आप देख पा रहे होंगे ना, ये पूरा का पूरा एरिया आप जो देख रहे हैं ना, इधर पूरा फिल्म सिटी स्टूडियोज वगैरह है, सब पूरा फिल्म सिटी है और सब शूटिंग्स वगैरह होती रहती है। पूरा जंगल एरिया कवर, पूरा जंगल है, मतलब पूरा ही जंगल है। क्या मतलब बोल के मतलब नहीं निकलता कुछ, पर है जंगल ही। और थोड़ा धुंध छाई हुई है, पता नहीं फॉग टाइप का है कुछ, जिसकी वजह से आपको क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा। और सूरज का भी थोड़ा इफेक्ट है, कुछ इस तरीके का ये व्यू पॉइंट है। यहाँ से आप देख सकते हो, ये व्यू पॉइंट बनाया है, आप आके यहाँ पे देख सकते हो इधर का व्यूज़ कैसा आता है। और ये रहा कुछ और यहाँ के स्टूडियोज वगैरह, आप सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे स्टूडियो ही मिलने वाले हैं। और कुछ इस तरीके का दिखता है यहाँ से व्यूज़, भाई नेक्स्ट लेवल है। पूरा बहुत हाइट पे हूँ यार मैं कितना हाइट पे हूँ वो मुझे अंदाज नहीं है, पर मैं हूँ हाइट पे। ओ माय गॉड। और ये साइड आप देख रहे हो पूरा वेस्टर्न हाईवे है, और पूरा अप गोरेगांव ईस्ट वेस्ट सब जाओ उधर ही। और जो आपने मेरा एक आईटी पार्क का गोरेगांव का वीडियो देखा है ना, वो सामने जो बिल्डिंग्स दिख रही है ना, उधर नहीं दिख रही होंगी, बहुत दूर है, जूम करना पड़ेगा। तो फिलहाल वही है, मस्त आ रहा ना व्यूज। तो कुछ इस तरीके से बना था ये व्यू पॉइंट, और अपन जा रहे हैं अभी नीचे। आप देख सकते हो गाइस कुछ इस तरीके से कितना खंडर टाइप बना है, मतलब बहुत कम लोग आते हैं। बारिश के टाइम पे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ही मज़ा आता होगा भाई, गजब का मज़ा आता होगा, मतलब नेक्स्ट लेवल वाला। और कुछ इस तरीके का व्यूज़ है यहाँ का। और अपनी टेंशन एक्सप्रेस वो खड़ी है सामने, यही है अपनी एक टेंशन एक्सप्रेस, जिससे मेरा अर्निंग का सोर्स चलता रहता है। फिलहाल तो चलते हैं अपन वीडियो इस तरीके का भी। न्यूटल जा रही है, न्यूटल में भाई गाड़ी बहुत बंदी कर दिया है, न्यूटल फास्ट भर रही है उत्तर खान। गाइस आप कभी फिल्म सिटी नहीं आए हैं तो प्लीज एक बार आइएगा और विजिट जरूर करिएगा, क्योंकि यार यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक ना एक सेट लगा मिल ही जाएगा जहाँ पे शूटिंग चल रही होगी। और ये पूरा फिल्म सिटीज एरिया है, पूरा हिल स्टेशन पे बनाया हुआ है, मस्त मजे आ रहे हैं गाइस। रॉयल प्लांग जिस तरीके से दिख रहा है यार, आर्य कॉलोनी के ऊपर का टॉप का व्यूज, और टॉप से अपन नीचे जा रहे हैं अभी क्योंकि मुझे वापस जाना है मीरा रोड। तो यहाँ पर तो लेके आया था फिलहाल मैं पैसेंजर मीरा रोड से। आई होप कि आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगे, तो
अगर वीडियो गाइड अच्छी लगे तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मस्त नेक्स्ट लेवल का मज़ा आएगा अगर मेरे वीडियोस को आप देखोगे। यूट्यूब के अंदर गर्दा उड़ा के रख देंगे गाइस, गर्दा बस का लास्ट टॉप भी है। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपको छोटी छोटी शॉप्स वगैरह मिल जाएंगी, जैसे कि स्नैक वगैरह करने के लिए या लंच डिनर डेयरी फार्म भी मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। मस्त लोकेशन है यार। तो भाई कुछ इस तरीके का दिखता है यार। अगर महाराष्ट्र सरकार यहाँ पे रोड के ऊपर फोकस कर देना भाई, तो ये टूरिस्ट स्पॉट इतना गजब का बनेगा ना भाई, बहुत गजब का यार। बारिश के टाइम पे ना यहाँ पे तो इतने ज़बरदस्त मज़े आते होंगे ना यार, मैं यार एक्सप्लेन नहीं कर सकता बारिश के टाइम पे। पर मैं यहाँ पे बारिश के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा पैसेंजर लेके आता था, और बारिश के टाइम पे जब अंदर से फीलिंग आती ना, तो अंदर से दिल खुश होता था ना भाई, बता नहीं सकता यार। मतलब ऐसा लगता था बस यहीं रह जाऊँ, यहीं रह जाऊँ, यहीं रुक जाऊँ, कहीं ना जाऊँ, वो फीलिंग्स आती थी यार यहाँ। लगता रोड बहुत खराब है भाई। आटा चक्की फ्लोर मिल लेफ्ट साइड, पर मुझे तो खिलाना नहीं है आटा। भाई अगर मैं तो कोशिश यही करूँगा, मैं यही अपील कर सकता हूँ छोटी सी, कि यार महाराष्ट्र गवर्नमेंट आरे कॉलोनी की जितने भी रोडेज हैं अंदर में, लोकल रोड हैं, उन पे फोकस करें, रोड को कुछ अच्छे से डेवलप किया जाए, क्योंकि यहाँ का टूरिज्म और भी ज़्यादा बढ़े। फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ वापस मीरा रोड की तरफ। तो गाइस कुछ इस तरीके से दिखता है यार ये जंगल एरिया मुंबई का, मतलब मुंबई का जंगल एरिया बोले तो फिल्म सिटी। 521 एकड़ के क्षेत्र में फैली हुई है यार, 521 एकड़, माय गॉड। ये दादा साहब फाल्के के नाम पर मशहूर है, जो कि 1977 में बनाई गई मुंबई में फिल्म सिटी। भाई साहब जबरदस्त है यार, चारों तरफ जंगल ही जंगल हैं। मस्त बारिश के टाइम पे यहाँ पे तो मज़ा आता होगा यार। हालांकि मैं बहुत टाइम बाद, मतलब बहुत टाइम बार भी पैसेंजर लेके आया हूँ यहाँ पे, बारिश में भी आया हूँ। मस्त फील आते हैं यहाँ से, आप गोरेगांव से डायरेक्टली अरोल साकिना का पवई जा सकते हैं, जो कि एक शॉर्ट रोड है। पर एक महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को काम करना चाहिए यार, मुझे लगता है कि इसके अंदर के जितने भी रोड्स वगैरह हैं ना, उन पर फोकस करें तो एक बहुत ही अच्छा हब बनेगा ये टूरिज़्म का। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे। तो फाइनली बाहर आ चुके हैं अभी हम आरे कॉलोनी से, और ये है मैन इंटरनेशनल, क्या बोलते हैं, मैन यहाँ से इंटर करते हैं हम लोग। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे। गाइस फाइनली ये था आज का वीडियो फिल्म सिटी आरे कॉलोनी मुंबई का। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। गाइज अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलें। तो बस इतना ही आज के वीडियो में, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको कुछ ज़्यादा ही वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ गाइज एक बार वापस से बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और लाइक द वीडियो, कमेंट द सेक्शन, कमेंट अपना ड्रॉप कर सकते हैं कि मेरे वीडियोज़ के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आपको लगती है, उसको भी सॉल्व किया जा सकता है, उस पर भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ, मतलब वो कमी दूर कर सकता हूँ। पर हाँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर ड्रॉप करें, और शेयर द ऑल्सो योर फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।